हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के धारा विद्युत की गई सेशन नंबर 4 की। सो आइए बात करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम सेशन 1 के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। सेशन 2 के अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। 3rd के अंदर हमने KCL KVL पढ़ा और 4th के अंदर हमने सेल पढ़ा। तो आज हम इस चैप्टर का 5th सेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए 5th सेशन क्या है, तो 5th सेशन के अंदर सबसे जो पहले आता है वो क्या आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आता है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जस्ट आपको एक प्रिंसिपल याद रखना है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे आते हैं, जो हम पहले भी कर चुके हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर वाले केस के अंदर। सो देखिए क्या होता है इसके अंदर, कि इसमें ये कहता है कि यदि मान लीजिए हमारे पास कि इस तरह से 4 रेजिस्टेंस भी हैं, ओके, तो इस तरह से पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस हमारे पास है यहाँ पर, तो 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं इस तरह से हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिरोध है जी, या आप इसे गैल्वेनोमीटर भी बना सकते हैं, ओके। ये जी है यहाँ पर, ये जी इस तरह से प्रतिरोध है, या आप इसे गैल्वेनोमीटर धारा मापी भी बना सकते हैं। धारा मापी क्या करता है, धारा मापी धारा को मापने के काम आता है, ठीक है। धारा मापी क्या करता है, धारा को मापने का मतलब जो धारा की दिशा, डायरेक्शन व मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों बताता है। तो देखिए क्या होता है, सुने इसका काम क्या आता है, यूज क्या आता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका यूज क्या होता है, इसको जाता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का काम आता है। तो ये इसका उपयोग है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यदि मान लीजिए मैं एक बार यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाऊं, ठीक है, यहां पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, धारा मापी लगा दी, और यहां पे मैंने सप्लाई लगा दी, तो होगा क्या, मेरे का जो S है, जो मतलब S प्रतिरोध है, वो क्या है, मेरा अज्ञात प्रतिरोध है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो मुझे क्या करना है, S को ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं पी क्यू आर एस को सबको बदलता रहूंगा, पी क्यू आर एस को लगातार बदलता रहूंगा। तो लगातार बदलते रहने पर एक ऐसी स्थिति आएगी जब गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब यहां से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस स्थिति को हम कहेंगे बैलेंस कंडीशन, उस स्थिति को हम कहेंगे बैलेंस कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं संतुलित स्थिति। तो संतुलित स्थिति में क्या होगा, कि संतुलित स्थिति में ये होगा कि आप ऐसे में, और कब होगा, ये कब होगा, जब पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस होगा, और ऐसे में क्या कर सकते हैं, जी को हटाया जा सकता है। मतलब यदि मान लीजिए प्रतिरोध होता या रेजिस्टेंस होता तब तो आप इसे हटा देते, गैल्वेनोमीटर है तो इसमें से रीडिंग जीरो आती डायरेक्ट, ये मतलब था इसका। तो पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस होता तो हमें तो अज्ञात प्रतिरोध एस निकालना है, तो एस का फॉर्मूला क्या आता, क्यू आर अपॉन पी आ जाता, ये हमारा फॉर्मूला है। कैसे प्रूव किया हमने इसको, इससे पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, KCL या KVL, KCL प्लस KVL से इसे हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। हमारा प्रूफ करने का इसमें कोई हमें टाइम खराब नहीं करना है, आपको जस्ट याद रखना कि KCL और KVL, KCL क्या है, किरचॉफ का धारा का नियम, KVL क्या है, किरचॉफ का विभव का नियम, ये दोनों से इसे प्रूफ किया जा सकता है। तो S बराबर हमारे पास क्या होता है, तो S बराबर होता है हमारे पास Q1 R / P, और ये है हमारा आज का पेज नंबर 2। नेक्स्ट आता है हमारा पेज नंबर 3, और पेज नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, तो पेज नंबर 3 होता है हमारे पास मीटर ब्रिज। तो देखिए पेज नंबर 3 की यदि हम बात करें, तो पेज नंबर 3 आता है हमारे पास मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज क्या होता है, अच्छा एक चीज और, आप इसे कभी कभार पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आता है मीटर ब्रिज, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मीटर सेतु भी कहते हैं। मीटर सेतु क्या है, अब देखो प्रैक्टिकली क्या था, कि इसको ऐसे बार बार काम में लेना काफी दिक्कत थी, भाई पी क्यू आर को कब तक बदलोगे, तो इसलिए हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो पी क्यू आर को रिप्लेस कर दे।
तो आपको मीटर में इसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक लकड़ी का वुडन बोर्ड होता है और यहाँ पर इस तरह से एल शेप की कॉपर की पत्तियां बनी हुई है। देखो एल शेप की कॉपर की पत्तियां हैं हमारे पास यूं, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप्स है एल शेप की इस तरह से। और फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास इसके अंदर 1 मीटर की तार है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की हमारे पास तार लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर की तार है। अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया आर, जो हमें पता है, ये आर हमें पता है, ध्यान रखिए, और ये है हमारा एस जो हमारा अज्ञात है। और यहाँ पे हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर और ये लगा दिया हमने यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, माना संतुलित लंबाई आ गई। अब संतुलित लंबाई कैसे गया, आप तो सोचोगे सर यहाँ पे व्हीटस्टोन तो बन नहीं रहा, देखिए मैं आपको शो करता हूँ कि व्हीटस्टोन यहाँ कैसे बन रहा है। यहाँ हमने लगा दी सप्लाई वोल्टेज वी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये ए और ये एन और ये बी, तो ए से एन तक की वायर की मान लेते हैं लंबाई है कितनी, एल। तो ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई होगी 100 माइनस एल। तो ए से एन तक की वायर का एक प्रतिरोध बन गया कितना, पी, और पी का मान कितना हो गया, रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है, प्रतिरोधकता, एल क्या है, लंबाई, और ए क्या है, क्षेत्रफल। और यहाँ क्या बन गया, एक नया रिश्ते को पी आ गया, क्यू रह गया, तो पी क्यू आ गया, तो लॉजिक क्यू में भी आ जाएगा। रो इंटू इस बार लंबाई कितनी है, 100 माइनस एल अपॉन ए। 100 क्यों आया, क्योंकि मीटर से, तो मीटर मतलब क्या होता है, इसमें 1 मीटर की वायर लगी हुई है, कौन सी वायर लगी हुई है, तो आंसर है मैग्नीन की वायर लगी हुई है। मैग्नीन की वायर क्यों, तो इसको हम लिख के बात करेंगे, तो मैग्नीन का तार है ये, ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस, इस तरह से 4 प्रतिरोध है हमारे पास, और हमें क्या करना है, संतुलित लंबाई हमारे पास ये आ गई। तो अब देखिए होगा क्या, जब संतुलित स्थिति होगी, व्हेन बैलेंस कंडीशन जब होगी, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में पी अपॉन क्यू बराबर क्या होगा, आर अपॉन एस होगा। तो पी हमारे पास कितना है, रो इंटू एल अपॉन ए, क्यू कितना है, रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए, आर और एस हमें पता है। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फाइनली एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर। आपको ये याद रखना है, इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, 100 माइनस 100 अपॉन एल माइनस 1 इंटू आर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन सुने एक एक करके, नोट कि पहली बात, वाई मैग्नीन वायर, मैग्नीन वायर क्यों यूज किया गया, मैग्नीन वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब ताप के साथ प्रतिरोध बदलने वाला गुणांक, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, बहुत कम होता है। उससे क्या होता है, जिस कारण टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बदलता या रेजिस्टेंस बदलता नहीं है, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीन का तार क्यों लगाया गया, मैग्नीन या नाइक्रोम भी कई बार आप सुन लोगे, कॉन्स्टेंट रहता, ये हमारा पहला कारण है। दूसरा कारण आता है कि यदि हम R और S को परस्पर बदल दें, मैं R और S को परस्पर बदल दूं, तो ये और आपस में बदल जाएंगे। जैसे ही ये आपस में बदलेंगे, मान लो मैं इसे नया लाइन से लिखता हूँ, जिससे मैं इसे अलग कलर से शो करूँ कि आपस में बदल गए, तो ये हो गया हमारे पास 100 माइनस एल और ये हो गया हमारे पास एल। अब हम तो बैलेंसिंग लेंथ, तो बैटरी के पॉजिटिव से नापते हैं, तो बैटरी के पॉजिटिव से यहाँ तक की दूरी इस बार क्या हो चुकी है, 100 माइनस एल हो चुकी है, ठीक है, बैटरी से दूरी क्या हो चुकी है, 100 माइनस एल हो चुकी है। तो इसलिए यदि आर और एस को परस्पर बदल देंगे, यदि आर व एस को परस्पर बदल दिया जाए, आर व एस को परस्पर बदल दिया जाए इंटरचेंज कर दिया जाए, देन संतुलित लंबाई अर्थात बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए सो माइनस एल हो जाएगी। पहले कितनी थी, पहले थी हमारे पास, देखिए पहले कितनी थी हमारे पास, पहले थी हमारे पास
मान लीजिए 40, तो अब कितनी रह जाएगी, अब हो जाएगी 100 माइनस 40 मतलब 60 रह जाएगी। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर मेरे को पूछेगा आपसे, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या सुने, आप इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। यदि इस फॉर्मूले में एक बात बोलूँ आपको कि यदि एल ज़्यादा होगा, एल के ज़्यादा होने पर व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एल के ज़्यादा होने पर एस क्या होगा, कम होगा। अब एस को कम कैसे कर सकते हैं, एक इसकी जगह एक और प्रतिरोध लगा दो। मान लो जैसे एस चार है, अब चार के साथ मैंने पैरेलल में चार ओम का एक और लगा दिया, तो ये दोनों चार और चार का पैरेलल कितना आएगा, दो। चार चार पैरेलल कितना आएगा, दो आएगा, कम हो गया, तुल्य प्रतिरोध कम हो गया। तो तुल्य प्रतिरोध कम हो जाने का मतलब हमारे पास एस कम हो गया, और एस के कम हो जाने से एल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यदि एस के समांतर क्रम में, समांतर क्रम मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दें, तब लेंथ क्या हो जाएगी, तब बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि एल एस के कम होने से एल क्या हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जब आप एक और प्रतिरोध जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है, और यदि एस के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ दें हम, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दें आप, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो लेंथ है एस तो बढ़ गया, और एस के बढ़ने पर लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पांचवा पॉइंट, कि यदि गैलोनोमीटर और वोल्ट मीटर को आपस में बदल दिया जाए, मतलब हमने पहले इनको बदल दिया, अब हम जी और वी को बदल रहे हैं आपस में, यदि गैलोनोमीटर और बैटरी को आपस में बदल दिया जाए, सो यदि गैलोनोमीटर व सेल को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज मतलब परस्पर बदल दिया जाए, कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ऑन बैलेंसिंग लेंथ, तब बैलेंसिंग लेंथ मतलब संतुलित लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात का आप याद रखें, छोटी मोटी बातें हैं हमारी। चलिए, तो ये हमारे पास छोटी मोटी बातें थी, ये इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जनरली आर और एस को बदल दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियोमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम विभव मापी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आइडल वोल्ट मीटर भी कहते हैं। आइडल वोल्ट मीटर क्या होता है, देखिए, सो आइडल वोल्टमीटर होता है हमारे पास, पहली बात, आइडल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आदर्श विभव मापी भी हम इसे बोल सकते हैं, आदर्श वोल्टमीटर। ठीक है, क्या है इसकी स्ट्रक्चर, क्या है, क्या है इसका आदर्श वोल्टमीटर वाला काम, ये सब देखते हैं हम। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास इस तरह से एक लकड़ी का बोर्ड है, और यहाँ पर दो पॉइंट है ए और बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरह से 100 सेंटीमीटर वायर के बार बार ये जो है इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास बस इतनी सी स्ट्रक्चर है इसकी, और कुछ नहीं। ये तार किसका है, मैग्नीन का, मैग्नीन का क्यों है, वही कारण जो पहले था भैया, 4 सेंटीमीटर की मतलब 400 सेंटीमीटर क्यों है, ये 100 सेंटीमीटर का एक, 400 सेंटीमीटर क्यों है, पिछली बार तो 100 सेंटीमीटर में काम नहीं पड़ गया हमारा, इसमें 4 मीटर से 10 मीटर क्यों है, उसका कारण आपको मैं आगे बताता हूँ। आइए, तो सबसे पहले इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, देखिए सिद्धांत क्या है इसका, इसका सिद्धांत इतना सा है कि यदि किसी वायर में फ्लो होने वाला करंट नियत हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, ठीक है, यदि कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि जो वायर के सिरों पर विभव है, तार के सिरों पर विभव जो है
ओके, तो पोटेंशियल क्रॉस द वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, किसी भी वायर के जो सिरे पर जो क्या होगा पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा आई के प्रोपोर्शनल होगा, तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारे पास आई होगा, ठीक है। तार के सिरों पर जो विभव है वो मतलब सॉरी तार के सिरों पर जो विभव है वो क्या होगा तार की लंबाई के क्या होगा समानुपाती होगा, और जब आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यह नियतांक आएगा क्या के, इस के को हम क्या बोलते हैं, के को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। देखिए ध्यान रखिए, जहां भी अपोन में लेंथ आ जाएगी, कहीं भी जहां भी अपोन में लंबाई आ जाएगी वहां क्या बन जाएगा ग्रेडियंट या प्रवणता बढ़ाता है, जैसे बोला विभव प्रवणता तो अपोन में लेंथ आ गई। एयरफोर्स में पूछा गया था वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग प्रवणता का मात्रक लिखिए, वेग प्रवणता हो क्या होगी वेग बटे दूरी, आप भूल जाओ फॉर्मूला ये याद रखोगे जहां भी प्रवणता आएगा वहां अपोन में टाइम मतलब अपोन में लेंथ आएगी लंबाई आएगी, जहां दर वर्ड आएगा जहां रेट वर्ड आएगा वहां अपोन में क्या आएगा वहां अपोन में आपके पास आएगा समय। जैसे मैं बोलूं एनर्जी ग्रेडियंट, अब किसी को पता नहीं यार एनर्जी ग्रेडियंट ऊर्जा प्रवणता ये तो पता नहीं सुना नहीं ऐसा वर्ड, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जहां भी प्रवणता वर्ड आएगा वहां अपोन में क्या आता है लंबाई आता है, निकाल लो मात्रक विभव कुछ भी, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताओगे कि एनर्जी प्रवणता की सॉरी एनर्जी जो है ऊर्जा प्रवणता है एनर्जी ग्रेडियंट का मात्रक क्या होता है, आप मेरे को बताओगे। सो फिलहाल हमारे पास क्या आ गया वी बटे एल, तो इसकी वी बटे एल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वी बटे एल का मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा क्या कहना चाह रहा है इससे, मतलब नहीं समझ आया इसको हम समझते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा है इससे, ये कहना चाह रहा है कि जिससे मान लीजिए ये हमारे पास सप्लाई बैटरी 12 वोल्ट की, अब हमने धारा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगाया प्रतिरोध और यहाँ पर हमारे पास एक ये तार है, ठीक है, ये हमारे मीटर विभव मापी की तार है। अब 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट ये खा गया, ये प्रतिरोध खा गया, रियोस्टेट खा गया है ना, धारा नियंत्रक खा गया, तो इस तार पे कितने वोल्ट बने 10 वोल्ट बने, तो 10 वोल्ट कैसे बन गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जा रही है तार के सिरों पे विभव क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, इसको आप याद रखें। चलिए अब कुछ छोटी मोटी बातें, अब हम इसमें मेजर कैसे करते हैं, तो देखिए हमने लगा लिया विद्युत वाहक बल ईएमएफ ई, जिसका कितना वोल्ट है विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है, अब हमें क्या करना है इस 3 वोल्ट से चेक करना है कि ये कहाँ इसका है, तो हम पहले धारा मापी लगाएंगे और धारा मापी गैलोमीटर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ रीडिंग कितनी बेटा अभी 3 और यहाँ कितना तार के सिरे पे हो 1, तो 3 - 1 कितना आया 2, पर धारा प्रवाहित होगी हाँ होगी सर, फिर हम यहाँ पे लेके आए तो 3 - 2 कितना आया 1, धारा प्रवाहित होगी हाँ होगी सर, करते करते हम कहाँ ले आए हम यहाँ पे ले आए। अब देखो अब यहाँ ये सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 3 और यहाँ इस तार के सिरे पर कितना ईएमएफ है विद्युत वाहक बल है 3, तो 3 - 3 कितना 0, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित कितनी हो रही है 0 हो रही है, ये धारा प्रवाह 0 हो रही है, विभव के बावजूद भी धारा प्रवाह 0 है, तो ऐसे में प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V बटा I, I कितना है 0, V चाहे कुछ भी हो, तो R कितना आ गया अनंत, तो मतलब कि जो विभव मापी है संतुलित स्थिति में कितना प्रतिरोध प्रदान करता है, नोट विभव मापी या पोटेंशियोमीटर संतुलित स्थिति में अनंत प्रतिरोध प्रदान करता है, ठीक है, अनंत प्रतिरोध प्रदान करता है, और जब अनंत प्रतिरोध प्रदान करेगा जब इन्फिनिट रेजिस्टेंस प्रदान करेगा तब इसे क्या कहा जाएगा आइडल वोल्ट मीटर, आदर्श क्या कहा जाएगा विभवमापी कहा जाएगा, ठीक है, ये इसको ध्यान रखिए इस बात का खास कि, और आपको ये भी याद हो जाएगा कि विभवमापी का आदर्श मतलब आदर्श विभवमापी का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है इनफाइनाइट होता है, इस बात को याद रखिए, एमीटर कितना होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है
वोल्ट मीटर होता है इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट ओम। इन्फाइनाइट ओम का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। फिर इसके बाद एमीटर धारा मापी या जो भी धारा मीटर, वो एमीटर को एमीटर ही कहते हैं हिंदी में भी वैसे। तो 0 ओम, 0 ओम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करेंगे हम, आगे बात करेंगे, तो इसे हम आदर्श विभव मापी कहते हैं, पहली बात। दूसरा नोट, अब एक बात सोचो, यदि 3 की जगह 13 वोल्ट होता तो क्या मैं जब इसे नापता तो करते 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 मैं यहाँ पे आया था। अब ये 10 है, ये 13 है, तो क्या संतुलित स्थिति मिलती? नहीं। तो संतुलित स्थिति के लिए फॉर बैलेंस कंडीशन ईएमएफ या पोटेंशियल अक्रॉस द वायर शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। कि यदि आपको सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करना है तो जो तार के सिरों पर जो विभव होना चाहिए वो सेल के ईएमएफ से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या कि यहाँ 3 है तो यहाँ मिल जाती बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है, संतुलित स्थिति मिल जाती। लेकिन यदि यहाँ 3 13 होता, 13 होता, तो आप पूरी वायर पे कहीं भी घूम लेते, आपको संतुलित स्थिति मिलने वाली नहीं थी। चलिए तीसरा पॉइंट क्या आता है कि 4 मीटर से 10 मीटर वायर क्यों ली? 4 मीटर से 10 मीटर वायर विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, सुग्राहिता मतलब सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए करी। अब बात आती है सर सेंसिटिविटी वाली, वो वर्ड क्या है इसको सुनिए। हालांकि इसमें ज्यादा अपना डिटेल नहीं है ना, बस एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो 100 मीटर तार होती, मतलब 100 सेंटीमीटर वायर होती, और उस पर 10 वोल्ट बन रहे होते। पहले अभी हमने कितने ले रहे हैं? अभी हम 4 मीटर से 10 मीटर तक ले रहे हैं, 1000 सेंटीमीटर तक पहुंच रहे हैं। अभी हमने मान लो 1 मीटर लिया, मीटर भी कितना, तो ये सोचो 100 सेंटीमीटर पर कितने वोल्ट बनते? 10 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर पर कितना वोल्ट बनता? 10/100, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इतना वोल्ट बन रहा है, तो मतलब 0.1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर बन रहा है। एक मैं आपको बोलता कि बेटा मेरे पास 3.2 वोल्ट का सेल है, यहाँ 3.2 वोल्ट का सेल है मेरे पास, बताओ लंबाई कितनी आएगी? आप कहते सर इसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर 0.1 वोल्ट, 32 सेंटीमीटर में, 32 सेंटीमीटर में 3.2 वोल्ट। मैंने कहा वाह यार बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब मैंने बोला कि बेटा 3.21 का बताओ मेरे को, तो तुम 3.21 कहते सर 32.1 कर लो, है ना भाई। 1 सेंटीमीटर में कितना है? 0.1, 32 सेंटीमीटर कितना होता है? 0.3.2। और मैं बोल रहा हूँ 3.21 कितने में आता, तो आप कहते सर 32.1 सेंटीमीटर में आता। लेकिन ये जो 0.1 है ना, इसको नापने में, इसको मेजर करने में कई लोग गलती कर देते, है ना, गलती कर देते, क्या होता एरर आती। और हम इसे आइडल कह रहे हैं, तो आइडल ऐसे थोड़ा ना कह देंगे यार, मार्केट में आइडल बना के बेचना है, आदर्श वोल्ट मीटर बेचना है तो थोड़ा अच्छा तो बनना चाहिए। अब मैंने कहा कि बेटा नहीं, मुझे तो 3.212 वोल्ट। आपने तो हाथ उठा दी, भाई सर हम नहीं कर सकते, ये इतनी तो इसकी रेंज ही नहीं है। तो अब ऐसे में मैंने इसको और अच्छा बनाने के लिए इसकी लेंथ को क्या कर दिया? 1000 सेंटीमीटर कर दिया। अब ये बहुत अच्छा बन जाएगा और ये भी नाप सकेगा, और पॉइंट के बाद 3 अंकों तक नाप रहा है। मतलब मेरे को तो 3.2 वोल्ट से काम चल रहा था, लेकिन इसे मेरे को ये भी नाप के दे दिया, तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या है ना, तो ये और अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए इसकी लेंथ बढ़ा जाती है, इसको हम कहते हैं सुग्राहिता बढ़ाने पर। तो सुग्राहिता बढ़ाने पर विभव जो प्रवणता होती है वो क्या होती है? घट जाती है। तो आप इसको याद रखिए कि के जो है वो लंबाई के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा था पेज नंबर 9। अब आता है विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी के अनुप्रयोग क्या है, या एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी अनुप्रयोग की बात यदि हम करें, तो इसके दो उपयोग हैं। देखिए कौन कौन से उपयोग हैं हमारे पास। पहला है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल,
टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल। इसके अंदर क्या है, किन्हीं दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बार E1 सेल लेंगे, एक बार E2 सेल लेंगे, एक बार लंबाई L1 आएगी, एक बार लंबाई L2 आ जाएगी। लो जी आ गया, आसान सा है, ठीक है, ये इसका काम है। आपको डायरेक्ट इतना ही याद रखना है, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, दूसरा पॉइंट क्या, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, किसी प्राथमिक सेल का, किसी प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक सॉरी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो इसमें देखिए क्या है हमारे पास, इसमें आपको एक बात याद रखनी है। पहले इसका सर्किट बनाता हूँ, आपको कभी डायग्राम में एग्जाम टाइम में परिपथ बनाओ नहीं मिलने वाला, तो आपको परिपथ पे ध्यान नहीं देना, लेकिन बस जो काम आने वाला है उसके लिए परिपथ बनाना जरूरी था, तो वरना मैं बनाता भी ना। तो ये हमारे पास ए बी तार है, हमारे पास ये हमारे पास एक सेल है हमारे पास जिसका हमें विद्युत वाहक बल निकालना है, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, और यहाँ हमने एक बाह्य प्रतिरोध आर लगा रखा है। ये हमारे पास इस तरह से है और ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। तो इसमें क्या है, हमें दो तरह की लंबाई मिलने वाली है। एक लंबाई तो मिलेगी कब, एक लंबाई मिलेगी L1 और एक लंबाई मिलेगी L2। L1 क्या है, जब R, ये वाला R इज नॉट इन द सर्किट, जब ही R परिपथ में नहीं था। और L2 क्या है, When R is in the circuit। न्यूमेरिकल में आपको ऐसी डायरेक्ट लैंग्वेज दी होगी और कुछ भी नहीं करना, ठीक ठीक है सर। अब होगा क्या, देखो तो ऐसे में क्या होगा हमारे पास, देखिए जब ये R परिपथ में होगा, जब परिपथ में नहीं होगा सॉरी, तो सेल क्या है, ओपन सर्किट हो गया। जब सेल ओपन सर्किट हो गया, खुला परिपथ हो गया, तो खुले परिपथ में सेल के सिरों पर विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर, तो किसके बराबर आ जाएगा, KL। जब हमने यहाँ से आर लगा दिया तो सेल के सिरों पर विद्युत वाहक बल की जगह क्या आ गया, टर्मिनल विभव आ गया। इसकी जानकारी के लिए आप इससे जस्ट पहले वाला वीडियो सेल का कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं, चीज सेल की समीकरण में हमने पढ़ा है। तो यहाँ क्या आ गया, KL2 आ गया। अब ये ध्यान रखना कि L2 जो है वो L1 से कम होना चाहिए। चलो मान लो बच्चा भूल जाएगी L2 L1 से कम है, कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। तो जैसे ही हम E/V करेंगे तो ये आएगा L1/L2। अब V इक्वल टू क्या होता है, E-IR, तो E बराबर आ जाएगा V+IR, V बराबर होता है IR, दोनों वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं, तो V+IR/V L1/L2, सो IR+IR/IR इक्वल टू L1/L2, सो 1/R+R। देखिए I कॉमन आके कट गया और R का हमने भाग दे दिया, ठीक है, L1/L2। तो हमारे पास R फाइनल जो हमें याद रखना है वो क्या आएगा, L1/L2-1 R। अब बात आती, बच्चा भूल गया कि यार सर मैं तो भूल गया, L1 ऊपर आएगा या L2 नीचे आएगा, तो इसको कैसे याद रखें। तो इसके लिए मैंने आपको दो बात बताई है, और आप मान लो न्यूमेरिकल में भी ना पहचान पाओगे L1 कौन सा L2 कौन सा। तो इसके लिए आपको दो बात बताई है कि L1 जो है वो बड़ा होगा L2 से, और दूसरा क्या कि ये जो R है ना यांत्रिक प्रतिरोध, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और यदि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यदि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ऊपर L1 रहना चाहिए, तभी तो ऋणात्मक नहीं आएगा, तभी तो नेगेटिव नहीं आएगा, अदरवाइज तो नेगेटिव आ जाएगी। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन क्या है, वैसे इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत टेढ़ी आती है, तो आपको इसमें भी ऐसा क्वेश्चन मिले, फिलहाल मिलता कभी नहीं है, लेकिन आपको ल्यूसेंट में, अरिहंत में, इन सब में जरूर मिला मिल जाएगा। तो आपको इसमें सैंपल तौर पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन मिला कि यहाँ है 12 वोल्ट, यहाँ है 2 वोल्ट, सॉरी 2 ओम, और ये जो तार है इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, और इसका जो है हमारे पास, इसकी जो लंबाई है वो है हमारे पास 400 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सेल लगा दिया, हमें नहीं पता वो कितने का है। इसको जब हमने लगाया तो हमारे पास जो संतुलित लंबाई आई वो मान लीजिए मेरे पास 250 सेंटीमीटर है। तो आपको बोला गया ई का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है, देखिए आप इस परिपथ को अलग मान के चलिए, ये परिपथ से लेना देना नहीं है। तो ये बन गया क्या हमारे पास 12 वोल्ट, ये बन गया 2 ओम, और इस तार को मैं ऐसे बना देता हूँ, कितना 8 ओम है ना। तो परिपथ में धारा कितनी बही, आई बही, तो आई कितना आएगा, देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, तो आई होता है ई बाय आर इक्वलेंट, आर तुल्य प्रतिरोध, ई कितना बेटा 12, ये रहा आर इक्वलेंट, दोनों सीरीज में है, तो कितना आ गया 8 प्लस 2, तो कितना आ गया 1.2 एम्पियर, ठीक है 1.2 एम्पियर। आपकी कैलकुलेशन में मैं काम करता हूँ कि यहाँ इसको 8 की जगह 10 ले लेते हैं, इससे क्या होगा, ये 10 की जगह क्या हो जाएगा, 12 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 10, सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये आ गया हमारे पास 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब सो तार पर विभव कितना होगा, तार पर विभव पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, सो तार के सिरों पर विभव कितना होगा, सो तार के सिरों पर विभव होगा वी बराबर आई आर होता है, सो तार के सिरों पर विभव, तो वी बराबर तार की से धारा कितनी बह रही है 1 एम्पियर, तार का प्रतिरोध कितना है आर, आर कितना था भैया 10 ओम, ये रहा देखो, तो तार के सिरों पर विभव कितना बना 10 वोल्ट बन गया, तार के सिरों कितना विभव बन गया 10 वोल्ट बन गया, तो वी आ गया वी डब्ल्यू, मतलब तार के सिरों पर विभव कितना आ गया, तो वो आ गया हमारे पास 10 वोल्ट। अब हमें निकालना है विभव प्रवणता के, आपको लगता है निकालना है तो निकालिए, वरना देखो दूसरा तरीका भी बता सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था हमारे पास, तार के सिरों पर विभव बटे तार की लंबाई, तो 10/400 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने वोल्ट बन रहे हैं, इतने वोल्ट बन रहे हैं। अब हमारे पास संतुलित लंबाई कितनी आई थी, सो संतुलित लंबाई कितनी आई थी, संतुलित लंबाई बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई थी हमारे पास, सो ये आई थी हमारे पास 250 सेंटीमीटर। सो हमारे पास ई विद्युत वाहक बल कितना आएगा, के एल आएगा, के कितना आएगा 10/400 इंटू एल कितना आएगा, एल आएगा 250। तो ऐसे में क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 25/4, कितना आएगा 6.25 वोल्ट, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बनाने वाले का इसका फॉर्मूला बनाए थे, देखो कैसे फॉर्मूला ले, फॉर्मूले में क्या है, ई बराबर के एल था, के बराबर क्या था, के एल मतलब बैलेंसिंग लेंथ है ना, एल बी, P मतलब बैलेंसिंग लेंथ। अब K क्या था, K था हमारे पास विभव, मतलब तार के सिरों पे विभव बटे तार की लंबाई, लो जी ये आ गया। अब तार के सिरों पे विभव क्या था, तार में से बहने वाली धारा इंटू तार का प्रतिरोध, लो जी ये आ गया। देखते जाओ अपने सब उल्टा चल रहे हैं। अब तार के जो मतलब हमारे पास क्या है, I, I क्या था हमारे पास, तो सप्लाई वोल्टेज V बटे आर डब्ल्यू प्लस आर, आर क्या है ये वाला, आर देखो ये वाला, इस वाले को मैंने स्मॉल आर कहा है, आर एच कह दो, रियोस्टेट धारा नियंत्रक, ये क्या हो गया आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू मतलब वायर,
वायर का प्रतिरोध। तो ये हमारे पास आर एच आ गया। लो जी, अब आपको क्या लगता है कि ये फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूले में खुश हो जाओ। पर मेरा मानना ये है कि इस फॉर्मूले से आपको कोई मतलब नहीं बनना चाहिए। हालांकि फिलहाल इसके अंदर क्वेश्चन आपको बड़े कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रेडी मिलती है, तो फिलहाल आप ये आपने ऐसा याद रखिए, ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे चैप्टर का पांचवा पोर्शन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पोर्शन आएगा हमारे पास पावर का, पावर, हीटिंग इफेक्ट, बल्ब, इन सब के बारे में छोटी मोटी बातें करेंगे। यूनिट्स, एक यूनिट का खर्चा कितना है, ये सब के बारे में बातें करेंगे। देन ये हमारा होगा आगे सेशन नंबर 6 होगा। सेशन नंबर 6 के अंदर किसकी बात करेंगे, पावर वगैरह की बात करने वाले। सो आप पढ़ते रहिए, और इसके बाद लगातार 2 या 3 सीधा सीधा क्विज सेशन आने वाले हैं इस सेशन खत्म होने के बाद। सो होप आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।